नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एजुकेशन लोन होता क्या है और ये किस तरह काफ़ी कामयाब है कि आपकी पढ़ाई बिना किसी तकलीफ के आप पूरी कर पाएँ। एजुकेशन लोन का आप ये मतलब समझिए कि इसका पर्पज़ ये होता है कि आपको हायर स्टडीज़ के लिए लोन प्रोवाइड करना। मतलब कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पीएचडी कर रहे हैं या आप मास्टर एमबीए कर रहे हैं, तो इस तरह के जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उसके लिए आपको एजुकेशन लोन देता है। सारे बैंक इसी पर्पज़ के हिसाब से देते हैं। एसबीआई में एजुकेशन लोन तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है एजुकेशन लोन नॉर्मल, दूसरा है स्कॉलर लोन, तीसरा है ग्लोबल एडवांटेज लोन। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं सारे प्रोफेशनल कोर्स आपके इसमें कवर किए जाते हैं। इसमें एक चीज़ होती है कि आपको आपके पेरेंट्स को कोबोरोर बनाना होता है, आपके मदर या फादर। इन केस अगर यदि आपके मदर फादर दोनों किसी वजह से नहीं है तो आप अपने अंकल या किसी भी गार्जियंस को अपने साथ को एप्लीकेंट बना सकते हैं। क्वांटम ऑफ लोन, अगर आप इंडिया में एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो एसबीआई 40 लाख रुपए तक आपको देता है, और विदेश में इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितनी आपकी फ़ीस है उस हिसाब से आपको एजुकेशन लोन मिलेगा। अब एजुकेशन लोन में बैंक कौन कौन सी चीज़ें एक्सपेंसेस कंसीडर करता है, देखिए सबसे पहले तो आपकी कॉलेज की फ़ीस आ जाती है, फिर हॉस्टल फ़ीस आ जाती है, फिर अगर यदि आपको कंप्यूटर या लैपटॉप ख़रीदना है तो वो भी बैंक आपको प्रोवाइड करता है उसके ऊपर लोन। बुक्स और अदर टूर एक्सपेंसेस, कई बार क्या रहता है कि आपको फॉरेन टूर्स में जाना पड़ता है या एजुकेशनल टूर्स के लिए कॉलेज ऑर्गेनाइज करता है, तो उसके भी सारे एक्सपेंसेस आप एजुकेशन लोन में कवर कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का कॉलेज मिला है। अगर आप IIT IIM में एडमिशन मिला है आपको, तो बैंक इजीली आपको 6.85-7% तक के बीच में आपको लोन दे देगा, और वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। लेकिन अगर आपका कॉलेज का थोड़ा रेपुटेशन सही नहीं है और आपकी भी थोड़ी सिविल ख़राब है तो हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ जाए। सिक्योरिटी 7.5 लाख रुपए तक अगर आप एजुकेशन लोन इंडिया के अंदर लेते हो तो उसमें आपको किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं देनी। अगर आप 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा की एजुकेशन लोन लोगे तो आपको सिक्योरिटी देनी होगी, और विदेश में पढ़ाई करने के लिए आप चाहे किसी भी अमाउंट का लोन ले, आपको उसमें एक प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज रखनी पड़ेगी। मार्जिन, अगर 4 लाख तक का लोन है तो उस पर 0% मार्जिन है, 4 लाख से ऊपर है इंडिया में तो 5% है, और अगर 4 लाख से ऊपर है अब्रॉड में तो 15% है। मार्जिन का मतलब ये समझिए कि अगर यदि इंडिया में आपकी MBBS की फ़ीस 5 लाख रहे और आपने 5 लाख का लोन लिया है और 1 लाख रुपये अगर आप फीस भर रहे हैं तो 95,000 बैंक देगा और 5,000 आपको देने होंगे, यानी कि इसलिए इसको मार्जिन कहा जाता है। अब एजुकेशन लोन में इंडिया में सब्सिडी भी मिलती है आपको। उसकी दो क्राइटेरिया है, एक तो कि आपके पेरेंट्स की इनकम, फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम होनी चाहिए, और आपने जो लोन अमाउंट ले रखा है वो 7.5 लाख से कम हो। यानी कि सब्सिडी के रूप में ये होता है कि जो भी इंटरेस्ट लगता है मॉरेटोरियम पीरियड में जिस दौरान आप पढ़ाई कर रहे होते हैं वो आपका वेव कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग फीस 20 लाख तक के लोन पर निल है, लेकिन 20 लाख से ऊपर 10,000 है, और स्कॉलर लोन में अगर आप किसी भी अमाउंट का लोन लें तो आपको 0 प्रोसेसिंग फीस लगती है। रीपेमेंट आप मैक्सिमम 180 महीने, मतलब 15 साल तक का आपको रीपेमेंट पीरियड तक मिल सकता है अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा हो तो। अब बात कर लेते हैं हम कि एजुकेशन लोन आपको टर्म लोन के हिसाब से मिलता है। यानी कि टर्म लोन मतलब जैसे कि आप उसका बार बार उसकी किस्त आप रेगुलर चुकाते रहेंगे जैसे ही आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो या फिर आपको जॉब मिले। सिविल आपका अच्छा होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का सिविल अच्छा होना चाहिए। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मान के चलिए आप बैंक में गए और आपने आपके फादर को एप्लीकेंट बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन आपके फादर की सिविल ख़राब है, तो इस केस में आप क्या करें, अपने मदर को एप्लीकेंट बना दें, मदर की सिविल सही होगी और आपका लोन पास हो जाएगा। अब बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एडमिशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट स्टडी मतलब कि इस पढ़ाई में कितना खर्चा आएगा, और एकेडमिक रिकॉर्ड 10 और 12वीं के। अब डॉक्यूमेंट की बात करी जाए को एप्लीकेंट की, जैसे कि मैंने कहा था कि आप अपने मदर या फादर को एप्लीकेंट बना सकते हैं,
कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है आपके मदर फादर का, तो भी आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपके मदर फादर ने पैन कार्ड ज़रूर इशू करवा रखा हो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, अगर सैलरी या बिजनेस प्रूफ। अब बात करते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी जो प्रोसेसिंग फ़ीस के अलावा जो भी जिस स्टेट में भी आप रहते हैं वहाँ पर जो भी एप्लीकेबल स्टाम्प ड्यूटी है वो आपको पे करनी है। डिसबर्समेंट, बैंक डायरेक्टली आपके कॉलेज के नाम से बैंकर चेक देगा या डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में क्रेडिट करेगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको रीइंबर्समेंट बेसिस पे भी करता है, जैसे कि टूर हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, बाइक हो गया। रीपेमेंट ये होता है कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने के 1 साल के अंदर आपको आपका रीपेमेंट स्टार्ट करना होता है। अगर आपने पढ़ाई कंप्लीट करी और तुरंत जॉब पर लग गए तो आपको 6 महीने के अंदर अपना रीपेमेंट स्टार्ट करना होगा। स्कॉलर लोन जनरली उनको मिलता है जैसे जो IIT या IIMs में जिनको एडमिशन मिलता है या मेडिकल अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज में मिलता है। स्कॉलर लोन की विशेषता ये रहती है कि इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम मिलता है। सिर्फ टॉप कॉलेजेस में, जो इंडिया के अगर टॉप 100 कॉलेज में आपको एडमिशन हो रहा है तो SBI से आप स्कॉलर लोन के लिए ही अप्लाई करें। SBI ग्लोबल एडवांटेज होता है, अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं US, यूरोप, तो उस केस में आप SBI में ग्लोबल एडवांटेज लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करें तो खुद अपना पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा के रखें, ताकि भगवान ना करे ऐसा हो लेकिन अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट आपके पेरेंट्स को आपके लोन का बर्डन नहीं पड़ेगा। लोन अप्लाई करने का इंडिया में एक ही तरीका है, अगर आप इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हैं तो विद्यालक्ष्मी पोर्टल से आप अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली ब्रांच में ना जाएं, विद्यालक्ष्मी पोर्टल में अप्लाई करने के बाद फिर आप ब्रांच विजिट करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप SBI की वेबसाइट्स पर जा सकते हैं, bank.sbi, sbiyono.sbi, sbi.co.in। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपकी जितनी भी क्वेरी थी एजुकेशन लोन को लेके वो सारी सॉल्व हो गई होंगी। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें और मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझसे कनेक्ट रहे, ताकि आपको जब भी कोई बैंकिंग रिलेटेड जानकारी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकें। धन्यवाद।